आए दिन तो फ्री फायर में एक से बढ़कर एक नए नए इवेंट आते रहते हैं। इन फ्री फायर के जितने भी इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स को मैं आप लोगों को फ्री में कैसे लेना है, इसके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो भी ला करके देता रहता हूं। यानी कि आज का जो वीडियो होने वाला इसी के टॉपिक के ऊपर होने वाला कि आप लोगों को फ्री में कैसे हम इस तरह के जितने भी बंडल्स आ रहे हैं, नए नए इवेंट्स आ रहे हैं, सबको फ्री में कैसे क्लाइम करना है, क्लाइम करके कैसे आप लोगों को फ्री में लेना है। आपको अगर फ्री में लेना था इसके लिए रिडीम कोड का जरूरत पड़ता है, फ्री फायर का डायमंड की जरूरत पड़ती है, तो उसे आप लोगों को कहां से लेना है, कैसे लेना है, इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला है। इस वीडियो में एक एप्लीकेशन बताने वाले हैं, उस एप्लीकेशन का मदद से आप लोग फ्री में गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, पेटीएम कैश ले सकते हो, और उस पैसे का यूज करके आप लोग फ्री में यहां पर से फ्री फायर के डायमंड और रिडीम कोड ले सकते हो। अगर आपको डायमंड के साथ साथ में भाई अगर पबजी खेलते हो तो पबजी का यूज चाहिए, तो उसके लिए भी रिडीम कोड का जरूरत हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, तो रिडीम कोड का यूज करके आप सब कुछ भी ले सकते हो। लेकिन आपको पता है कि भाई फ्री फायर में एक से बढ़कर इवेंट आ रहे हैं और उन इवेंट को लेने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन भाई पैसे बहुत सारे गरीब गरीब बच्चे लोग हैं, तो उन लोगों को भाई पैसे मिलेगा कहां से? तो मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक का यूज करके आप लोग फ्री में यहां पर से डायमंड ले सकते हो। फ्री में डायमंड ले सकते हो, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड सब कुछ ले सकते हो। तो चलिए फटाफट आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे इवेंट आया यार, इवेंट मिस मत करो, बहुत सारे इवेंट आ चुके हैं। इस इवेंट को जल्दी से जल्दी खत्म करने से पहले ही आपको सबको निकाल लेना है। अभी देखो इवेंट का लास्ट सीजन, लास्ट डे आ रहा है, मतलब अभी लास्ट टाइम हो गया ना, तो लास्ट टाइम में ये सब इवेंट बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डायमंड खर्चा करना पड़ेगा, कम से कम डायमंड में आपको ये सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन में जो हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन बताएंगे उसमें काम कैसे कैसे करना, उसको यूज कैसे करना, उसमें से डायमंड कैसे लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को गवाए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए फटाफट से एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं आपको बताते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में बोला एक लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट, आप अपना गूगल अकाउंट का मदद से लॉग इन कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा, पेटीएम नंबर इंटर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर नहीं आपका पेटीएम नंबर, क्योंकि जब आप इसमें से पेटीएम में विड्रॉ लगाओगे तो भाई ये आपका पेटीएम नंबर मांगेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली सबमिटेड रहता है। बस आप क्लिक करोगे, पैसा आपके वॉलेट के अंदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब आपको पैसे लेने के लिए पेटीएम नंबर बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा, जो भी डालना सही से पेटीएम नंबर इस जगह पर डालना, और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना, और लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना लॉग इन कर लेना। यानी कि पहले पेटीएम नंबर, टर्म एंड कंडीशन एग्री, फिर लॉग इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, जीमेल आईडी से लॉग इन कर लेना। चलिए मैं सब कुछ डिटेल को फिल करके लॉग इन कर लेता हूं। तो कंप्लीट होते के साथ में आप लोग एप्लीकेशन के अंदर में कुछ इस प्रकार से करके एंटर कर जाओगे, बट आप लोगों को इसमें अर्निंग कैसे कैसे करना उसका स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें साफ साफ आपको एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करके और मेंशन भी किया हुआ, तो आप लोगों को सब कुछ इसमें बताता हूँ। और भाई अगर आप लोग इसमें ऐड को ब्लॉक करके अगर यूज कर रहे हो एप्लीकेशन को, तो उसको मत करना, क्योंकि अगर वैसा करोगे तो आपके यहाँ पर से ये काम कभी नहीं होगा। मतलब इसमें बहुत सारे ऐड आते हैं, अगर ऐड नहीं आएंगे तो आपका एप्लीकेशन में अर्निंग ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको आना इस तरह से करके एप्लीकेशन के अंदर में, आपको देखो सबसे पहले में एक ऑप्शन मिलता है मैथ क्विज करके। अब इस मैथ क्विज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बोल रहा है कि 7 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आपको बस इस तरह से क्लिक करना है। 7 × 4 = 11 होता है, आपके यहाँ फटाफट से 11 करना, सबमिट करना, सबमिट करने के बाद बोल रहा है कि एड्स आर नोट लोडिंग, बस ऐसा कर कभी कभी होता है, और आपको एक बार ट्राई करना, फिर से आपको देखो दूसरा बार में मेरा ऐड आ चुका है तुरंत को तुरंत। मतलब इस तरह से करके कभी कभी प्रॉब्लम होता है, आपको इस तरह से करके सॉर्ट आउट कर लेना, आपको मैं समझा दिया। फिर बोलेगा 10 पॉइंट आपके वॉलेट के अंदर में ऐड हो चुके हैं, फिर आपको बोलेगा कभी 28 सेकंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, 28 सेकंड। तो 28 सेकंड तक वेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6.4, यहाँ पर देखो 6 और 4 को जोड़ना है ना इसमें, तो 6 और 4 को इसमें से फटाफट से मैं क्या करता हूँ जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब 10 को जोड़ करके यहाँ पर मुझे रख देना है। जैसे यहाँ पर प्लीज वेट वाला जो टाइमर है, ये टाइमर खत्म होगा, मैं सबमिट का ऑप्शन आएगा, मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सबमिट कर लूंगा। यानी कि इससे ये होगा हमें कि भाई हमारे जो अर्निंग का स्टेप्स है आपको उसमें इजी पड़ेगा, मतलब आपको दोबारा से सोचना नहीं पड़ेगा। देखो सबमिट का ऑप्शन आया, सबमिट कर दिया, सबमिट करने बाद तुरंत ऐड को क्लोज कर दिया, फिर से 10 पॉइंट मेरे वॉलेट के अंदर ऐड हो चुके हैं। इस तरह से करके जितना मर्जी इसमें देखो टोटल 23 जो है ना, ये वाला क्विज 23 क्विजेस हैं। फिर यहाँ पर देखो 4 और 6 को जोड़ना कितना, तो सिंपल से वही बात है कि 10 होगा। और इस तरह से करके 10 लिख करके नहीं, 10 यहाँ पर लिखना है, 18 लिख दिए, 10 लिख करके, और यहाँ पर वेट करना है टाइमर तक का। आपको ऐसा नहीं कि भाई टाइमर खत्म होगा उसका बाद यहाँ पर लिखेंगे, पहले ही आपको लिख के रख लेना लेना है, और टाइमर खत्म होते के साथ में आप लोगों को तुरंत यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करोगे उसके बाद तुरंत के तुरंत में आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पर देखो सबमिट कर देंगे, फिर से ये वाला टास्क यहाँ पर कंप्लीट, और फिर से मेरा नेक्स्ट टास्क खुल करके आ चुका है। और इसी तरह से कर करके बीच में एक इंस्टॉल वाला टास्क आ गया, जिसे आप लोगों को इंस्टॉल करना कंपलसरी है। तो आप लोगों को चलो मैं इंस्टॉलेशन टास्क तक लेकर के जाता हूँ, और वहाँ पर लाइव इंस्टॉल करके टास्क को कंप्लीट करके आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आपको समझ में आ जाए, समझे? तो यहाँ पर चलो फटाफट से मैं क्या करता हूँ इंस्टॉलर टास्क तक यहाँ पर वेट कर लेता हूँ।
तो उसके बाद फिर देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट और यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर देखो चार और यहाँ पर कितना हो गया सात, सात और चार को जोड़ेंगे तो कितना होगा फिर से 11 होगा। अब बस सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा, मैं सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देखो 18 नंबर का जो क्विज रहेगा उसमें आपको एक इंस्टॉलेशन वाला टास्क रहेगा, तो आपको इस इंस्टॉल वाला टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसे कंप्लीट करने के लिए करना कुछ भी नहीं होता, आपको इस तरह से करके इंटरफेस खुल करके आपको ओके का ऑप्शन पर क्लिक करना है। बोले एक इंस्टॉल वन ऐप, इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पर देखो भाई बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशन मिलेंगे, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इंस्टॉल का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको प्ले स्टोर की तरफ लेकर चला जाएगा, तो आपको प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर का एप्लीकेशन को यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर का एप्लीकेशन सिंपल सिंपल एप्लीकेशन रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर सिंपल से प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन आपको इस तरह से करके आप लोग देख लेना, इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके इसमें से वेट भी करना पड़ेगा 30 सेकंड के लिए। तो 30 सेकंड तक आपको वेटिंग कर लेना इसमें जा करके, तब जा करके आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में वेरीफाई होगा। यहाँ पर देखो मैं जाता हूँ इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा देर तक मैं देखो एप्लीकेशन को थोड़ा देर तक ओपन करके रखूंगा और उसके बाद फिर आपको मैं कट करके डायरेक्टली दिखाता हूँ। देखो अब उतना देर तक मेरा हो गया लगभग, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्टली यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको बैक होने का ऑप्शन है तो बैक भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्लोज करेंगे तो क्लोज करते बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो 10 पॉइंट था फिर से रिसीव हो चुका है, एड टॉयलेट करेंगे। देखो 18 नंबर की जगह पर मेरा 17 नंबर हो चुका है और यहाँ पर मेरा जो टाइमर था वो टाइमर भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, मतलब चार और फिर तीन को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। और इस तरह से कर करके पूरा का पूरा आपको क्विज यहाँ पर मिलते हैं 21-24 को क्विज 25 को, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। पूरा क्विज कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो पूरा अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैं आपको जो भी कर रहा हूँ आपके आंखों के सामने में कर रहा हूँ, लाइव आपको दिखा दिखा कर कर रहा हूँ, तो आपको सिंपली इसी तरह से करके काम को करना है, काम कर करके ढेर सारा पॉइंट्स की अर्निंग करते रहना है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ चुका है, अभी आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेकर चला जाता हूँ, नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर चला जाता हूँ। यहाँ पर देखो इस तरह करके जितना बार क्विज को कंप्लीट करो उतना बार आपको ऐड आएगा, उतना बार आपको ऐड को कट करना पड़ेगा और बार बार कर करके आपको पॉइंट्स यहाँ पर 10-10 पॉइंट करके अर्निंग करते रहना। ठीक है, अभी मैं इसमें से क्या करता हूँ बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलने बाद इसमें से एक ऑप्शन मिलता है स्क्रेच कार्ड का। अब स्क्रेच कार्ड में बोल रहा है कि स्क्रेच नाउ, स्क्रेच नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करोगे ऐड आएगा, ऐड आते बाद तुरंत में कट करोगे आपका स्क्रेच यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस तरह करके आपको देखो हर बार आपको हर टाइमर के साथ आपको स्क्रेच आएगा, इसका जो टाइमर रहेगा आपको 28 सेकंड का टाइमर रहता है और टोटल आपको इसमें से 5 स्क्रेच कार्ड दिए जाते, जिसमें से यहाँ पर मैं एक जो एक स्क्रेच कार्ड अभी कंप्लीट किया हूँ और मेरे पास अभी भी 4 स्क्रेच कार्ड पड़े हुए हैं। तो इस तरह से कर करके भी मैं स्क्रेच कार्ड भी कंप्लीट करके दिखा दो, चलो थोड़ा देर तक इसमें वेट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा टाइमर अनलॉक होने वाला, मतलब टाइमर खत्म होने वाला, फिर स्क्रेच नाउ ऑप्शन में क्लिक करेंगे फिर से ऐड आ गया। चलिए ऐड को कट कर लेते हैं फटाफट से। देखो टाइमर कंप्लीट, स्क्रेच कार्ड अनलॉक। अब स्क्रेच कार्ड को क्या करेंगे, स्क्रेच करेंगे इस तरह करके 8 पॉइंट फिर से यहाँ पर मुझे रिसीव हो चुका है और बस इसी तरह से कर करके भाई आपको पॉइंट्स की अर्निंग करते रहना, पॉइंट्स अर्निंग होता जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारा कॉइन मिलता जाएगा। फिर बोल रहा है कि चक्का घुमाओ एप्लीकेशन में, कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन चक्का घुमाओ, तो आपको इसमें करना कुछ भी नहीं, स्पिन नाउ ऑप्शन में क्लिक कर देना है और इस ऐड को भी फटाफट से यहाँ पर देखो कट कर दे थोड़ा देर। यहाँ पर देखो ऐड आ रहा है, ऐड को देखो ऐड आते हैं 5 से 7 सेकंड तक ऐड रहेगा, स्किपेबल ऐड रहता है, आपको इस तरह से स्किप करना था। यहाँ पर देखो टाइमर भी चलता है, टाइमर तक का वेट करा, टाइमर का वेट करना है जैसे स्किप करना। आप लोगों भाई ऐड के बिना कोई भी एप्लीकेशन में आपको पैसा कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ अगर ऐड ऐप में अगर आपको पैसा कमाना है भाई पैसे डाल करके कमाना पड़ता है, लेकिन अगर आप पैसा कमाना नहीं चाहते सेल्फ अर्निंग बचा तो भाई सेल्फ अर्निंग वाला कंपनी को कुछ बेनिफिट होगा तभी तो आपको पैसा देगा। हम लोग भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, हमें कुछ बेनिफिट होगा तभी तो हम वीडियो बनाएंगे, इसी के लिए भाई ऐड आना जरूरी है। अगर ऐड नहीं आएगा तो आपको अर्निंग होगा ही नहीं होगा। तो आप लोग सिंपल से बात है भाई, आप लोग समझ रहे होंगे कि बिना ऐड का कोई भी एप्लीकेशन आपको अर्निंग नहीं देगा और बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि ऐड बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन ये एप्लीकेशन उतना नहीं है, नॉर्मल एक एक ऐड देता है हर एक काम के करने के बदले में। यहाँ पर देखो 11 पॉइंट दे रहा है तो उसके बदले में 1 पॉइंट एगो ऐड तो दिखाएगा ही ना भाई, तो ये तो बात आपको जाहिर से बात है। फिर यहाँ पर देखो फिर से मेरा एक स्क्रेच कार्ड स्पिन बचा, यहाँ पर फिर से मैं स्पिन करूंगा, फिर से स्पिन करने के बाद फिर से एक छोटा सा ऐड आएगा और फिर से ऐड को क्या करूंगा कट करूंगा, ऐड को कट करने के बाद फिर से यहाँ पर मेरा स्पिन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से करके। अब यहाँ पर आप लोग गौर से समझ ही चुके होंगे, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फटाफट से इसमें से आगे का ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। आगे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर मैं इसको दिखाऊंगा यहाँ पर से तो आगे चल करके देखो एक ऑप्शन मिलता है इन्वाइट एंड अर्न का, इन्वाइट एंड अर्न का ऑप्शन पर आएगा तो अब आप लोग गौर से देखो 7 रुपया एक रैफर पर 7 रुपये मिलेगा। अभी तक का जितना भी एप्लीकेशन बताया हूँ सब में एप्लीकेशन में 5 रुपया पर रैफर पर चल रहा है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है 7 रुपया एक रैफर पर 7 रुपये दे रहा है ये एप्लीकेशन, तो समझ सकते होंगे 7 रुपये देने वाला एप्लीकेशन आप लोगों को कितना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर लूट दे रहा है, समझे एक रैफर पर 7 रुपया तो समझ लो कितना ज़्यादा पैसा दे रहा है। यार मुझे तो एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगता है एप्लीकेशन कमेंट करके बताना। एक रैफर पर 7 रुपये देगा लेकिन ये कैसे देगा आपको कंडीशन समझ लो, रैफर योर फ्रेंड एंड गेट 700 कॉइन, यू विल गेट रिवार्डेड कॉइन व्हेन योर फ्रेंड मेड हिज फर्स्ट विड्रॉवल। जैसे कि पहला
जैसे आप मान के चलो हम आपको इनवाइट किए, आप जैसे पहला रिडीम लगाओगे, इसमें से पहला एक दो रुपये का रिडीम, कुछ भी एक रुपये का भी रिडीम लगाओगे ना, तो उसके बदले में मुझे 7 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको रेफर किया और आपने पहला रिडीम लगाया है इस एप्लीकेशन के अंदर में। तो इस तरह से करके पहला रिडीम लगाने के बाद में ही आपको 7 रुपये यहाँ पर से रिसीव होता है। फिर इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ता है, ज्वाइन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आने के बदले में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो टेलीग्राम पर आकर के ज्वाइन कर लेना। और भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, भाई मैं भी अपना टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इस कंपनी को बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं, देखो ये जो एप्लीकेशन चल रहा है ये एप्लीकेशन के बारे में बता रही है, ये एप्लीकेशन मार्केट में भी ट्रेंड कर रहा है। देखो मैं यहाँ पर भाई रेटिंग भी किया हुआ, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को आकर रेट देना आपको जैसा अच्छा लगे। और यहाँ पर देखो एप्लीकेशन बहुत सारे ऑफर या फिर प्रोमो सब मिलता रहता है, यहाँ पर तो लूट गिवअवे सब भी होता रहता है। अगर आप लोगों ने हमारे एंड्रॉइड गेम का टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है तो फटाफट से एंड्रॉइड गेम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से आप लोगों को गिवअवे बहुत सारे कोड ये सब कुछ मिलता रहता है। तो आकर के फटाफट से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर बहुत सारे मैं लूट भी देता रहता हूँ, बहुत सारे नए एप्लीकेशन का अपडेट भी देता रहता हूँ, और हमारे जो भी चैनल का अपडेट रहता है वो सब कुछ यहाँ पर मैं देता हूँ। आकर के भाई टेलीग्राम चैनल पर जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी फिलहाल बात करें एप्लीकेशन की तरफ से, तो लॉगआउट का ऑप्शन है, बट आपको लॉगआउट नहीं करना, आपको डायरेक्टली इसमें आ जाना है माय वॉलेट का सेक्शन पे, और माय वॉलेट का सेक्शन पर आने के बाद में ऐड को कट करना है। ऐड को कट करने बाद देखो मेरे पास अभी कितना सारा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, 1955 कॉइन पड़े हुए हैं, मतलब 1955 कॉइन का वैल्यू कितना है तो ये भी आपको बता दूंगा भाई। 1955 कॉइन का वैल्यू होता है 19 रुपया, समझे, 19 रुपया 55 पैसे। यहाँ पर देखो मैं रिडीम का पेज पर क्लिक करूंगा तो मैं कितना बार इसमें से रिडीम लगाया हूँ, 25 रुपये का पेटीएम वाउचर, 25 रुपये का सक्सेसफुल, देखो नीचे में सक्सेस लिखा हुआ ना, सक्सेस 50 का सक्सेस, सक्सेस 100 वाला सक्सेस, फिर 100 वाला सक्सेस, 100, 200, 300 और 350, 375 रुपये का मैं अर्निंग अभी तक कर चुका हूँ। अभी मेरे पास 19-20 रुपये के आसपास में पैसे पड़े हुए हैं, मैं आपको लाइव रिडीम करके दिखाता हूँ। करना कुछ भी नहीं होता है, बस आपको रिडीम का ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर देखो इसमें से भाई को गूगल प्ले का गिफ्ट वाउचर नहीं मिलेगा, आपको इससे मिलेगा ओनली पेटीएम कैश। तो पेटीएम कैश इस जगह पर इंटर करना, पेटीएम कैश इंटर करते के साथ में आप लोग पेटीएम के मदद से गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। पेटीएम के मदद से गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड नहीं लेना था, मैं आपको समझाता हूं। आपको अपना पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद में आपको इस तरह से करके नीचे की ओर जाना, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूं, पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। और उसके सेक्शन में रिचार्ज एंड बिल वाला ऑप्शन दिखता है ना, रिचार्ज एंड बिल वाला, इस पर क्लिक करके आपको यहां पर एक गूगल प्ले का ऑप्शन मिलेगा, गूगल प्ले, या फिर वहां नहीं समझ में आता यहां पर देखो सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर भी सर्च करोगे ना गूगल प्ले, GOOGLE गूगल, और यहां पर लिखोगे ना प्ले, तो गूगल प्ले लिखते समय देखो यहां पर सर्विस में आ जाएगा गूगल प्ले, यहां पर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, सभी तरह का 3-4 ऑप्शन इसमें खुल करके आ जाएंगे। तो वो किसी का भी ऑप्शन पर यहां पर क्लिक करना है, मान के चलो इसी पर मैं क्लिक करता हूं, और इस पर क्लिक करते के साथ में आपको यहां पर चूज करने के लिए बोलेगा आप कितने अमाउंट का लेना चाहते हो, मान के चलो मुझे 10 का लेना था, यहां पर मैं 10 सेलेक्ट करूंगा और 1 टैप 2 बाय इस तरह से क्लिक करेंगे। यहां पर देखो आपको यहां पर देखो इसमें, लेकिन भाई इसके लिए आपको यहां पर अलाउ करना पड़ेगा, चलो लेकिन इसके लिए मुझे एप्लीकेशन से पैसे भी तो निकालने पड़ेंगे। यहां पर मैं जाता हूं एप्लीकेशन के अंदर में, यहां पर मैं क्या करता हूं 10 रुपये का यहां पर से रिडीम लगाता हूं। यहां पर देखो इस पर क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करते हैं पर ऐड को क्लोज करेंगे, ऐड को क्लोज करते साथ में यहां पर देखो बोल रहा है कि कांग्रेचुलेशंस योर रिडीम रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल बी अप्रूव्ड विद इन 24 आवर। और इसका जो पैसा है बहुत बार रिसीव हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है भाई, इसमें से बहुत बार मैं पैसे लिया हूं, पेमेंट प्रूफ आपको मैं दिखा दिया था। अब इसमें से जो भी पेटीएम आपको पैसा है उस पेटीएम का पैसा यहां पर से क्लिक करना, रिक्वेस्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, और क्लिक करते समय यहां पर देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा और एक बार और, अरे भाई क्लिक तो हो जाए, क्लिक हो गया है, क्लिक होते समय यहाँ पर देखो गौर से इस तरह से करके बोलेगा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जो 10 रुपये आपको मिला भाई उस एप्लीकेशन का यूज पैसा का यूज करके आप हमारे से गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड ले लो, सिंपल सी बात तो है। यहाँ पर देखो गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड मेरा लिया रहा है, देखो यहाँ पर गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड आ चुका है, मैसेज में भी गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड आ चुका है, यहाँ पर मुझे कोड आ चुका है, इसको कॉपी करना तो कॉपी करो या फिर डायरेक्टली रिडीम का ऑप्शन पर क्लिक करो, और रिडीम का ऑप्शन पर क्लिक करते समय आपको यहाँ पर डायरेक्टली प्ले स्टोर पर आकर लेकर आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट इसे रिडीम कर पाओगे। कन्फर्म का ऑप्शन पर क्लिक करो और कन्फर्म करते समय आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कोड आपके जगह पर रिडीम हो जाएगा। रिडीम होते हैं देखो मेरा पास 609 रुपया, तुरंत को तुरंत मेरा बैलेंस अपडेट हो चुका है, 10 रुपया गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से कर करके भाई एप्लीकेशन से काम कर करके पैसे कमा सकते हो। जो आप लोगों में सब कुछ लाइव करके दिखा दो, सब कुछ समझा दिया हूं, और जितना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो उसे डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का एप्लीकेशन पूरा अच्छे तरीके से समझाया, पूरा एक्सप्लेन करके बताएं, तो आप लोग जाओ दबा करके लूटो, मिलते हैं नेक्स्ट लूट में, तब तक ले बाय, जय हिंद।